गुड आफ्टरनून, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फॉर यूज और फॉर कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं खुद के यूज़ के लिए या कंजम्पशन के लिए। हम लोग ये प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टिपिकल प्रोडक्शन सिस्टम कंप्राइजेस थ्री मेन यूनिट्स। अभी प्रोडक्शन सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला इनपुट्स है, दूसरा कन्वर्शन प्रोसेस है और आउटपुट। तो ये तीन कंपोनेंट्स हर एक प्रोडक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जैसे डायग्राम में दिखा रहा है। इनपुट, सबसे पहला हम लोग इनपुट डालते हैं, फिर अपना कन्वर्शन प्रोसेस होता है और फिर अपने को आउटपुट मिलता है। तो इनपुट क्या है? तो इनपुट में मटेरियल, मशीन, मेन आवर्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, ड्राइंग्स, इंस्ट्रक्शन एंड अदर पीस वर, ये सब इनपुट में शामिल है। कन्वर्शन में इट इंक्लूड्स ऑपरेशंस, मैनुअल, मैकेनिकल और केमिकल। तो जो भी ऑपरेशन से मैनुअल होगा, मैकेनिकल या केमिकल, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। तो ये ऑपरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? इनपुट का कन्वर्शन आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। अभी इट ऑल्सो इंक्लूड्स सपोर्टिंग टेक्निक्स दैट असिस्ट द कन्वर्शन एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो उसमें कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी उसमें शामिल है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, मतलब प्रोडक्शन को प्लान करना, कंट्रोल करना, ये शामिल है। बाद में प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके बाद रिसीट, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल रिसीव करना, स्टोर करना और इशू करना। बाद में इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स एंड इन प्रोसेस, बाद में जो भी पार्ट्स है और प्रोसेस है उसका इंस्पेक्शन करना। फिर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको टेस्ट करना। बाद में वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स बन चुके हैं उनको वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना। अभी ये तो हो गया कन्वर्शन प्रोसेस के बारे में। अभी आउटपुट में क्या क्या शामिल है? तो आउटपुट इंक्लूड्स फिनिश प्रोडक्ट्स, पार्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसमें आउटपुट में आपका जो गुड्स पूरी तरह से फिनिश्ड हो गया है, बाद में उसके स्पेयर पार्ट्स रहेंगे और सर्विसेज आउटपुट में शामिल हुए। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस स्टेटेड अबाउट एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, इनपुट और कन्वर्शन प्रोसेस और आउटपुट का, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सिस्टम। अ प्रोडक्शन सिस्टम देयरफॉर इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम्स। तो उसमें अलग अलग सब सिस्टम शामिल है। ईच सब सिस्टम परफॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक सब सिस्टम का एक यूनिक या एक डिस्टिंक्ट फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म होता है। हाउएवर द सब सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड एंड यूनिफाइड टू अचीव द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव एंड दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सब सिस्टम है उसको हम लोग इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, और उससे क्या होता है, अपना जो प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है और अपना ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव है वो भी उससे क्या होता है, अचीव हो जाता है। अभी अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन सिस्टम हम लोग ने डिस्कस किया था, जैसे इज अ सब सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन, डेवलप, डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस प्रोडक्ट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? सब फंक्शंस उसमें शामिल है, जैसे डिज़ाइन करना, डेवलप करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रोडक्ट को उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में देर आर वेरियस प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंडिंग ऑन सर्टन फैक्टर्स सच एज। तो अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम है जो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, जैसे प्रोडक्ट का नेचर है,
बाद में डिमांड का नेचर है, उसके प्लांट का कैपेसिटी है, बाद में प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, कस्टमर जो ऑर्डर दे रहे हैं उनका ऑर्डर्स और रिक्वायरमेंट्स है, डिलीवरी लीड टाइम, मतलब हम लोग ने एक बार ऑर्डर दिया तो कितना टाइम लगता है डिलीवरी होने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी लीड टाइम। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड होता है। अभी तो प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू तो दो टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम है। पहला हम लोग उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब क्या है, इंटरमिटेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल रीच होने के बाद हम लोग स्टॉप करते हैं, कंटिन्यूस मतलब विदाउट स्टॉपिंग अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन दिस सिस्टम द गुड्स आर मैन्युफैक्चर टू सप्लाई टू द कस्टमर एज पर देयर ऑर्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कस्टमर्स लोग अपने को ऑर्डर दे रहे तो वो हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इन दिस केस देयर इज इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर फ्लेक्सिबल टू हैंडल अ वाइड वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड साइजेस। तो इधर क्या होता है, बिना रुके एक फ्लो होता रहता है मटेरियल का प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल रहता है कि हम लोग अलग अलग वैरायटी प्रोडक्शन का हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बाद में द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहला IPS मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम आर फ्लेक्सिबल टू शट प्रोडक्शन वराइटीज़। तो ये जो है ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि जो भी प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट्स है, जो भी वराइटीज़ है वो फुलफिल करने में आसानी होती है। दूसरा, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर लेड आउट बाय प्रोसेसेस। तो जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके अनुसार मशीन्स एंड इक्विपमेंट अरेंज किए जाते हैं। मोस्ट आइटम्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वान्टिटीज, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स जो है हम लोग कम क्वान्टिटीज में प्रोड्यूस करते हैं। बाद में देर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर सिक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशंस ड्यू टू वराइटी ऑफ ऑर्डर्स विच मेक रूटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑपरेशंस एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इधर जरूरत किसकी है, एक प्रॉपर सिक्वेंस ही, जिससे कैसा होगा कि अपना जो एलोबरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो ईजी बन सकता है और कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है। हाईली स्किल ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशेंट यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो अपने को क्या है, जो ऑपरेटर चाहिए वो हाईली स्किल चाहिए ताकि वो लोग मशीन्स एंड इक्विपमेंट का एफिशेंट यूज़ कर सके। इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज लार्ज, तो अपने को कैसा है कि इन्वेंट्री जो स्टॉक लगता है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लगता है। गुड इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी अपने को कैसा है कि क्वालिटी गुड्स लोगों को प्रोवाइड करना है, तो बट नेचुरल इंस्पेक्शन भी अपने को अच्छा रखना पड़ेगा और वो अपने को अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेजेस पे रखना है। बाद में रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वराइटी ऑफ आइटम्स। तो इसमें कैसा है कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि अपने को अलग अलग मशीन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और जिससे अपने को वराइटी ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। जनरली जनरल पर्पस और मशीन्स यूज, मतलब जो मेजॉरिटी लोग जो यूज़ करते हैं वो टाइप के मशीन जनरली यूज़ किए जाते हैं। द टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट सिस्टम्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो कुछ इंटरमिटेंट सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन नाम से पता चलता है कि एक पर्टिकुलर लॉट उसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है। बैच प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स आइदर टू मीट अ स्पेसिफिक ऑर्डर और टू मीट अ कंटिन्यूस डिमांड। तो बैच प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एक ही टाइप के आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये हम लोग क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ताकि एक पर्टिकुलर डिमांड को हम लोग फुलफिल कर सके या कंटिन्यूस जो डिमांड आ रहा है उसको हम लोग फुलफिल कर सके, इसके लिए बैच में प्रोडक्शन बनता है। दिस प्रोसेस इज यूजफुल टू अ फर्म दैट मेक्स अ नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफ द सेम प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस कब यूजफुल है, अगर एक ही प्रोडक्ट्स के अलग अलग वेरिएशंस अगर होते रहेंगे तो ये प्रोसेस यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस बैच प्रोसेस कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टूथपेस्ट। अभी टूथपेस्ट के बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं, जैसे डिफरेंट साइजेस है उसमें, बाद में जो कंटेंट्स डाले जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए बैच प्रोडक्शन जो है वो यूजफुल है। पर टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर कैन सेट वीकली बैचेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स और सुपरमार्केट। तो उसके लिए जो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है वो वीकली बैचेस सेट कर सकता है ताकि जो भी ऑर्डर उसको मिले हैं डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और सुपरमार्केट से वो फुलफिल कर सकता है। द सेम मशीनरी यूज फॉर ईच प्रोडक्ट बट द इंग्रेडियंट्स पैकिंग और साइज इज चेंज फॉर ईच बैच इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग सेम टाइप की मशीनरी यूज करते हैं लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो पैकेजिंग लगता है और जो साइज है वो उसके लिए चीज़ें बदल सकती है। बट प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर आइदर ओनली वंस। तो प्रोडक्ट्स किस टाइप के बना सकते हैं हम लोग, आइदर एक बार बना सकते हैं, बाद में रिपीटेडली एट इरेगुलर टाइम इंटरवल्स एज वेन एंड डिमांड अराइजेस। मतलब हम लोग जब भी डिमांड आता है तो हम लोग रिपीटेडली उन आर्टिकल्स को बना रहे हैं, बाद में रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स टू सेटिस्फाई कंटिन्यूस डिमांड। तो दूसरा ये है कि रेगुलर टाइम इंटरवल में हम लोग रिपीटेडली बना रहे ताकि जो कंटिन्यूस डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। द आइटम्स आर प्रोड्यूस इन लॉट और बैचेस अनलाइक जॉब टाइप्स वेयर वन आइटम इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच प्रोडक्शन और रन। तो हम लोग अगला टाइप जो सीखने वाले हैं उसमें एक प्रोडक्ट एट ए टाइम बनाया जाता है, और इधर बैचेस में एक पर्टिकुलर 50 प्रोडक्ट्स का लॉट या 100 प्रोडक्ट्स का लॉट एट ए टाइम बनाया जाता है, और जॉब टाइप में सिर्फ एट ए टाइम एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। इन बैच प्रोडक्शन अ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑपरेशंस। तो बैच प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस अपने को करने पड़ते हैं। All operations of a product in one batch must be completed before the start of the next batch of the production. तो जो भी उसका प्रोसेस है वो अगला बैच चालू होने से पहले अपने को ख़त्म करना है। Examples of batch production includes manufacturing of drugs and pharmaceuticals. Drugs or pharmaceuticals बनाना, अपने chemicals in पेंट्स एडेसिव एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो ये सब क्या है, ये बैच प्रोडक्शन में बनाए जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन। तो इसके फीचर्स क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन अभी वो क्या क्या है। द प्रोडक्शन इज जनरली अंडरटेकन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। मतलब पहले डिमांड चेक की जाती है कितना डिमांड है और वो हिसाब से प्रोडक्शन अंडरटेक किया जाता है। The products are stocked till they are demanded in market. हम लोग उसका स्टॉक कब तक रखते हैं, जब तक उसकी डिमांड मार्केट में है तब तक हम लोग उसका स्टॉक रखते हैं। बाद में ये तो पॉइंट हम लोग ने देखा है, जनरल पर्पज मशीन्स एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वराइटी ऑफ ऑपरेशन विद मिलिंग सेटअप टाइम्स आर इंस्टॉल। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, जनरल पर्पज मशीन्स या हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिससे हम लोग वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए
मिलिंग सेटअप हम लोग उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। देर इज अ नीड फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी उसके लिए जरूरत किसकी है? प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की जरूरत है। बैच प्रोडक्शन कैन बी यूज फॉर स्मॉल बिजनेस मैन विच कैनॉट अफोर्ड टू रन कंटिन्यूस प्रोडक्शन लाइन्स। तो ये यूजफुल किसके लिए? एक छोटे बिजनेसमैन के लिए जो अलग अलग प्रोडक्शन अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म नहीं कर सकता। शॉर्ट प्रोडक्शन रन एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ सेटअप रिक्वायर्ड इन बैच प्रोडक्शन। तो इसमें कैसा है कि आपको छोटे छोटे प्रोडक्शन रन बनाने पड़ते हैं जो रिक्वायर्ड है सेटअप बनाने में बैच प्रोडक्शन का। द इक्विपमेंट एंड असेंबली सेटअप आर यूज फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ असेंबलीज एंड देन चेंजेस आर मेड टू मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट और असेंबली सेटअप हम लोग बना रहे हैं लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए, और बाद में चेंजेस हम लोग करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। इन बैच प्रोडक्शन द प्रोडक्ट की डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑपरेशन। बैच प्रोडक्शन में प्रोडक्ट हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस में। ऑल ऑपरेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट इन वन बैच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट बैच प्रोडक्शन। ये तो हम लोग ने देखा है कि एक बैच में जितना भी प्रोडक्शन है वो अपने को बना के रेडी करना पड़ता है जब तक दूसरी बैच चालू नहीं हो जाती। नॉर्मली प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट ड्यू टू ऑल साइज एंड नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ ऑर्डर। तो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिफिकल्ट होता है क्योंकि अलग अलग साइज होती है और जो ऑर्डर है वो एक रिपीट नहीं होती, इसके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है। लेबर शुड बी स्किल इनफ टू वर्क अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट बैचेस। तो लेबर को यूज़ करना है, वो स्किल अपने को यूज़ करना है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने को बैच में बनाने हैं। फिर अगला टाइप है जॉब प्रोडक्शन। तो इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट्स आर मेड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर। तो इधर हम लोग क्या है कि अगर कोई कस्टमर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर अपने को दे रहा है तो वो सेटिस्फाई करने के लिए ये सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। द ऑर्डर मे बी यूज और मे बी प्रोड्यूस ओनली वंस। तो जो ऑर्डर हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग इधर एक बार यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, या इरेगुलर टाइम्स इंटरवल एज एंड व्हेन न्यू ऑर्डर इज रिसीव। जो भी अपने को ऑर्डर मिलती है तब हम लोग ये प्रोडक्शन बना सकते हैं, या रेगुलर इंटरवल टू सेटिस्फाई कंटिन्यूस डिमांड। मतलब बार बार डिमांड आ रही है तो हम लोग रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल में अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन इंक्लूड्स सर्विसेज रेंडरिंग बाय रिपेयर शॉप, टेलरिंग शॉप, मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं कि रिपेयर शॉप जो भी सर्विसेज देता है, या टेलरिंग शॉप सर्विसेज देता है, या कोई स्पेशल पर्पज मशीन रहेगा तो वो जो सर्विस देते हैं वो जॉब प्रोडक्शन में आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन। इसकी क्या क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन आर प्रोडक्शन इन स्मॉल लॉट्स मे बी इवन वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इधर हम लोग जो प्रोडक्शन बना रहे हैं ये स्मॉल लॉट्स का बना रहे हैं, और इधर हम लोग एक यूनिट प्रोडक्ट का भी बना सकते हैं। आइटम्स आर मैन्युफैक्चर स्ट्रिक्टली एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। हम लोग जो आइटम्स बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो कस्टमर्स ने बोला है उसके अनुसार ही हम लोग प्रोडक्शन बना रहे हैं।
हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज टास्क। अगर कुछ स्पेशलाइज काम आता है तो अपने को हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। देर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो इधर कैसे रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम ये कभी भी आ सकता है, तो फॉर इंस्टेंस द टाइम नीडेड टू डिजाइन द प्रोडक्ट में एक्सीड द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम लगता है राजर दैन मैन्युफैक्चरिंग करने में। मटेरियल्स आर इंटेंडेड एंड परचेज ऑन द रिसीट्स ऑफ ऑर्डर अनलाइक इन बैच और मास प्रोडक्शन वेयर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आर प्लान वेल इन एडवांस। तो इधर हम लोग मटेरियल जब भी जरूर आता है तब भी हम लोग करते हैं, और लेकिन जॉब या मास प्रोडक्शन में हम लोग उसका जो रिक्वायरमेंट है ये एडवांस में ही तय कर सकते हैं। विद जॉब प्रोडक्शन अ सिंगल वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर हैंडल्स द कंप्लीट टास्क। मतलब जॉब प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर वर्कर या ग्रुप ऑफ वर्कर ये पूरा का पूरा काम हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल इन टेलरिंग अ सिंगल पर्सन कैन हैंडल द जॉब ऑफ स्टिचिंग क्लोथ्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टेलरिंग में एक अकेला आदमी पूरा का पूरा कपड़े सीने का काम कर सकता है। जॉब कैन बी ऑन अ स्मॉल स्केल इन्वॉल्विंग लिटिल और नो टेक्नोलॉजी। तो जॉब में अपने को थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं भी रहेगी तो भी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग होम्स बिल्डिंग प्लम्बिंग सर्विस एक्सेट्रा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेलरिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, या बिल्डिंग होम ये डेकोरेट कर रहे हैं, या प्लम्बिंग सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा जो लोगों की ज़रूरत है वो हम लोग बनाते हैं। हाउएवर कैन ऑल्सो बी रिक्वायरिंग हाई टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल फिल्म प्रोडक्शन। तो अगर हाई टेक्नोलॉजी रहेगी तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिल्म प्रोडक्शन है। प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल इन डील विद द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रोडक्ट सिस्टम। तो जो प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। फिर शेड्यूल्स आर एक्चुअली नॉट एग्जिस्टेंस इन दिस सिस्टम। तो ये सिस्टम में शेड्यूल्स मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहता एज डेफिनेट डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, शेड्यूल्स नहीं रहते क्योंकि वो बनाने के लिए ऐसा डेफिनेट डेटा अवेलेबल नहीं है। जनरली इन प्रोसेस इन्वेंट्री विल बी हाई एज एक्चुअल क्लाइंट्स एंड शेड्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। तो इधर कैसा है, प्रोसेस इन्वेंट्री अपने को स्टॉक ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि प्लान्स और शेड्यूल्स इधर होते नहीं। बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। इन दिस केस अ सिंगल असाइनमेंट ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन। तो इधर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। जनरली द असाइनमेंट इज टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन द एस्टिमेटेड। तो अपने को जो असाइनमेंट है वो अपने को जो टाइम दिया गया है उसके पहले पूरी करनी है। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस देर आर ऑलवेज डिलेज कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देयर फॉर कॉस्ट ओवर रन। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या है कि अपने को डिले होता है प्रोडक्शन पूरा करने में और अपना खर्चा भी बढ़ता है।
अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रोड्स बिल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो उसके एग्जांपल्स है कि डैम कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये सब इसके एग्जांपल्स है। अभी हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन आर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट यूनिफॉर्म। तो सब जगह एक ही टाइप के रिसोर्स लगेंगे ऐसा नहीं है। जनरल रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन द बिगिनिंग इज लो बट ग्रेजुअली पिक्स अप एज द प्रोजेक्ट एडवांसेस एंड स्लो डाउन एट द कंप्लीशन स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इधर कैसे रहता है कि इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट कम रहता है, बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाता है जैसे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, और बाद में कंप्लीशन होने टाइम से कम लगता है। स्टोरेज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड एट ईच ऑपरेशनल स्टेजेस। तो अपने को कैसा है, जैसे जैसे ऑपरेशंस आगे बढ़ते हैं तो अपने को स्टोरेज फैसिलिटीज की ज़रूरत पड़ती है। क्लोज इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग स्टेजेस में अपने को इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट द रिसोर्सेज सच एज मशीन्स एंड मेन आर रीडिप्लॉयड एल्सवेयर इन अनदर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो रिसोर्सेज लगे हैं जैसे मशीन से मेन है, ये दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एजेंसीज ईच परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टास्क। तो अपने को अलग अलग एजेंसी जैसे ट्रांसपोर्ट है, अपने सप्लायर्स है, तो ऐसे अलग अलग एजेंसीज की अपने को ज़रूरत है जो पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिफरेंट एजेंसीज में भी इन्वॉल्व, सच एज आर्किटेक्ट्स है फॉर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। तो अपने को बिल्डिंग बनाने के लिए देखो आर्किटेक्ट्स लोग की ज़रूरत पड़ती है जो प्लान बनाते हैं, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, मटेरियल सप्लायर्स, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये सब लोगों की ज़रूरत है जो बिल्डिंग बनाने में अपने को मदद करती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एजेंसीज इज इम्पॉर्टेंट एज टास्क आर इंटर रिलेटेड। तो ये सब एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक काम में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिले में टेक प्लेस इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि काम कॉम्प्लेक्स है इसके लिए प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो सकती है। दिस रिजल्ट्स इन कॉस्ट ओवरऑल्स। इससे क्या हो जाता है कि अपने को बहुत सा खर्चा आ सकता है। रूटीन एंड शेड्यूलिंग चेंजेस विथ फ्रेश ऑर्डर्स। तो उसमें कैसे रहता है, रूटीन और जो शेड्यूलिंग का काम है वो फ्रेश ऑर्डर के साथ बदल जाता है। प्रॉपर कंट्रोल मेजर सच एज इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि अपने को प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे लेने हैं जैसे इंस्पेक्शन है, और ये हर एक प्रोडक्शन के स्टेज में ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स फेस पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो इसमें कैसे रहता है, कुछ पर्सनल टाइप के प्रॉब्लम्स के प्रोजेक्ट्स में आते हैं। फॉर इंस्टेंस एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस देयर इज ऑफन नीड फॉर एडिशनल एम्प्लॉयज। तो एक ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि प्रोजेक्ट अपना आगे बढ़ते जा रहा है तो अपने को एडिशनल एम्प्लॉयज की ज़रूरत भी आ सकती है। द एम्प्लॉयज में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन यूनिट्स और हायर्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये जो एम्प्लॉयज है हम लोग दूसरे यूनिट से ले सकते हैं या हम लोग उनको जॉब पे लगा सकते हैं एक छोटे टाइम ड्यूरेशन। देयरफॉर सम एम्प्लॉयज मे हैव लिमिटेड इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो हम लोग उनको शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे तो ये लोगों का इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता। देयर इज अ डेफिनेट टाइम पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपने को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही करना है।
जनरली ए प्रोजेक्ट हैज अ डेफिनेट स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम. मोस्ट प्रोबेबली हर एक प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्टार्ट टाइम होता है और डेफिनेट कंप्लीशन टाइम होता है. अभी दूसरा जो टाइप है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम. द आइटम्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर बट फॉर स्टॉक इन वेयर हाउस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट. तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑर्डर के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे. हम लोग प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, वेयर हाउस में माल स्टॉक करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो प्रोडक्शन इज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट. तो जो डिमांड फोरकास्ट से इंफॉर्मेशन मिला है तो उसके लिए स्टॉक वेयर हाउस में रखने के लिए हम लोग प्रोडक्शन बना रहे. द इनपुट्स आर स्टैंडर्डाइज एंड स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेस एंड देयर सीक्वेंस इज अडॉप्टेड. तो जो मटेरियल लगता है वो स्टैंडर्ड रहता है और उसके लिए जो प्रोसेस लगता है वो भी स्टैंडर्ड सेट है और उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस कैसे किस ऑर्डर में प्रोडक्शन बना है ये अडॉप्ट किया जाता है. तो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन. मतलब क्या रहता है, ये चलता रहता है प्रोडक्शन. स्टैंडर्डाइज रूटिंग शीट्स आर शेड्यूल एंड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर. मतलब उसके लिए स्टैंडर्डाइज रूटीन शेड्यूल्स हम लोग बनाते हैं और लास्ट डे द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज. ठीक है, तो हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं. Thank you.